जी ये आप पीछे जो रेडी देख रहे हैं ये मौका पर ही बेचारा जाम पाक हो गया है। इस बेचारे के बच्चे जो हैं रात को इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ बाबा रात को कमा कर ले आएगा और हम खाएंगे, तो आज उन पर क्या बीत रही होगी कि जब उनका बाबा। बोलो सच की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान उसामा गोंदल। आज हम लाहौर के न्यू नारकली बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले धमाका हुआ है, इसी हवाले से यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहे। मोहम्मद एजाज साहब मौजूद हैं जिनकी नारकली में शॉप है, तो ये यहाँ पर थे जब धमाका हुआ है, तो इस हवाले से इनसे पूछते हैं। जी एजाज साहब, कैसे हुआ ये? ये मैं आगे सेवन स्टार प्लाजा है वहाँ पर बैठा हुआ था, तो हमने समझा कोई ट्रांसफार्म का धमाका है, लेकिन वो ट्रांसफार्म का धमाका ऐसे नहीं होता, एकदम जो है ना अंधेरा भी छा गया और बादल ऐसे हो गए जैसे धुआं ही धुआं होता है। तो जब हम करीब आए तो देखा, तो वो मीडिया पे देखा तो वो कह रहे कि ये सिलेंडर फटा है, लेकिन सिलेंडर का काम नहीं था। तो वहाँ पे ये पोजीशन थी कि लोग गिरे हुए पड़े थे। हमारे पास थाना न्यू नारकली है और ये लोहारी थाना करीब करीब है, ये फौरी तौर पर हमारे पास यहाँ पर आ गए इमदाद के लिए। मैं वहाँ से भाग के जब यहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी जख्मी थे, तो कुछ लोग जो है वो रिक्शा में लेके जा रहे थे, इसी के साथ ही रेस्क्यू वाले भी आ गए, उन्होंने भी इमदादी काम शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो ज़ख्मी थे वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं और वल्लाह आलम के उसमें कौन से बंदे मर गए, अभी इसका कोई पता नहीं है। हमें इतला मिली है कि 3 जाम बाक हो गए, 23 जख्मी है, तो तकरीबन इतना अंदाज़ा तो है कि कुछ 12 से 15 जो है ना वो ज़ख्मी होंगे, 3 से 4 जो है वो मर गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जी बताइएगा कैसे ये वाकया पेश आया, आप इधर ही मौजूद थे? हाँ जी, मैं यहीं पे चंद कदरों पे मौजूद था, थोड़ा सा फासला था, ये चौक से लेकर मोतीचूर तक का फासला था, एकदम ऐसी बात है जैसे बम ब्लास्ट हो। तो लोगों ने कहा नहीं ये क्रैकर या कोई सिलेंडर फटा, यहाँ पर आकर देखा कोई सिलेंडर नहीं था, तो यहाँ तो लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी और खून ही खून था। और फिर लोगों ने जिस तरह उठाया, रिक्शों में उठाकर, मोटरसाइकिलों पर उठाकर, इतनी देर में ये गवर्नमेंट की 112 भी आई, ईदी वाले भी आए, पुलिस सबसे पहले पहुंची। इंतजामिया टाइम पर पहुंच गई थी? जी वक्त पर इंतजामिया यहाँ पर वक्त पर पहुंची है और पहुंचती है। इंतजामिया को बदनाम करती है, हमारी आवाम इस तरह गलत है, इंतजामिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो तो सबसे पहले जान हथेली पर रखकर भी काम करते हैं। जो ही ये कॉल चली कि जी इधर धमाका हुआ है, तो फौरी तौर पे जो हमारी पहले टीम पहुंची है उसने देखा कि अफरा तफरी का आलम था, जख्मियों को जो है वो फौरी तौर पे तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसमें 3 लोग जाबाक हुए हैं, 19 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और धमाका काफ़ी शिद्दत का था कि मौके पर जो लोग थे ना उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये धमाका है या सिलेंडर धमाका है। तो बाद में फिर ये पता चला क्योंकि टाइम डिवाइस मोटरसाइकिल पर धमाका हुआ है जिससे ये सारा जो है नुकसान हुआ है। जी ये आप पीछे जो रेडी देख रहे हैं ये मौका पर ही बेचारा जाम पाक हो गया है। इस बेचारे के बच्चे जो हैं रात को इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ बाबा रात को कमा कर ले आएगा और हम खाएंगे, तो आज उन पर क्या बीत रही होगी कि जब उनका बाबा की मैयत जो है घर में जाएगी। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।